अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और ये है सुबह की मॉर्निंग व्यू, जो कि बहुत ही अच्छी सी धूप आई थी तो मैंने सोचा ये व्यू कैप्चर कर लेती हूँ। और हल्की सी ठंड भी थी तो यहाँ पे हमारे बालकनी में कुछ प्लांट्स हैं जो कुछ ग्रो कर रहे हैं, कुछ जो है वो विंटर से ड्राई हो रहे हैं। तो और यहाँ पे जो है वो बच्चे स्कूल जाने के बाद में जो है वो फर्स्ट मेरा जो काम रहता है वो है हाउस क्लीनिंग का, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और उसके बाद में जो है वो हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद में जो है वो मेरे पास कुछ मेथी बची थी तो उसकी मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने का सोचा। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ ऑयल ऐड किया है पैन में, फिर जो है वो आलू जो है वो स्मॉल चॉप करके उसे मैं जो है वो थोड़ा फ्राई करके लूँगी तो जो है वो सब्ज़ी का टेक्सचर भी अच्छा आता है। बहुत ही आसान सब्ज़ी है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो कुछ गार्लिक लिया है, कुछ ग्रीन चिलीज ली है, कुछ जीरा लिया है और अच्छे से जो है वो इसे मैं जो है वो कूट के लूँगी। और इसका जो हमारा क्रश किया हुआ जो पेस्ट रहेगा उसे जो है वो हम सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। तो आलू को मैंने यहाँ पे फ्राई करके जो है वो पैन में से निकाला है और यहाँ पे जो है वो हमारा ये मसाला जो है वो हम हमारे पैन में ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने के बाद में इससे जो है वो बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और ये जो सब्ज़ी है बहुत ही आसान है, बच्चे भी आसान इसे खाते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं बनता, डिपेंड आप पे है। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप ग्रीन चिली जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा 2 मिनट सॉटे करने के बाद में मैंने जो है वो मेथी की सब्ज़ी और जो हमारा आलू है वो मैंने इसमें ऐड किया और फिर जो है वो हम इसे 1-2 मिनट्स के लिए जो है वो सॉटे करेंगे। और ये करने के बाद में जो है वो हम रेगुलर मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये जो सब्ज़ी है वो बहुत ही आसानी से बनती है और टाइम भी इतना नहीं लगता। इसमें मैंने ऐड किया है जो है वो टर्मरिक 1/2 टीस्पून ऐड किया है और सॉल्ट एज़ पर आवर टेस्ट हमें ऐड करना है। फिर हम इसे जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें जो है वो नेक्स्ट मसाला जो ऐड करेंगे वो है गरम मसाला। गरम मसाला यहाँ पे मैंने जो है वो 1/2 टीस्पून ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद में वापस हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे जो है वो मीडियम रखा था। और मिक्स करने के बाद में फिर मैंने जो है वो उसमें वाटर ऐड किया है। तो वाटर ऐड करके जो है वो हम इसे कुक करने के लिए रख देंगे। तो कुक करने के लिए जो है वो गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और अच्छे से जो है वो हमारे पोटैटो जो है वो पकेंगे। जैसे कि पोटैटो हमने फ्राई किए थे और इतना टाइम नहीं लगेगा कुक होने के लिए, लेकिन सारे मसाले और मेथी भी अपना टेस्ट ऐड करेगा तो इसके लिए हम लो फ्लेम पे जो है वो इसे कुक करेंगे। तो वो कुक करने के लिए रख दिया था तो मेरे पास जो था वो पपाया था। तो बच्ची के लिए मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट में जो है वो पपाया कट करके दिया था, जो बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि उसे कट करके रखते हैं तो जो है वो दिन में जो है वो कोई भी इसे खा सकता है। और बहुत ही अच्छा और स्वीट जो है वो पपाया था और बहुत ही टेस्टी था। तो सेम वही मैं यहाँ पर जो है वो कट करके इसे रख दूँगी। बच्चों को जो है वो फ्रूट्स जो है वो सीजनल ज़रूर दीजिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो बहुत ही हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। और अगर टिफ़िन में एज अ ब्रेकफास्ट या फिर कोई भी वे हम अगर उन्हें खिला सकते हैं तो उन्हें ज़रूर खिलाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है कि बच्चों को हम
किस तरह से फ्रूट खिला सकते हैं। तो मेरी लड़की जो है वो उसका ब्रेकफास्ट टिफ़िन एक रहता है और लंच रहता है। तो लंच में मोस्टली ट्राई करती हूँ कि अपने घर की जो रोटी सब्जी जो है वो दे दूँ, और जो ब्रेकफास्ट में मोस्टली मैं फ्रूट्स देती हूँ, कोशिश ये रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी जो है वो मंडे टू थर्सडे जो है वो मेरे पसंद से जो मैं टिफ़िन में देती हूँ वो खाते हैं, और फ्राइडे के दिन जो है वो टिफ़िन उनके पसंद का रहता है। तो ऐसे हमने एडजस्ट कर लिया है। तो आलू मेथी की सब्जी जो है वो रेडी हो गई है और बहुत ही आसान है। आपने अभी देखा कि मैंने इसे कितने आसानी से और कम मसालों में इसे बनाया है, और टेस्टी भी बहुत बनती है क्योंकि हमने इसमें गार्लिक और चिली जीरा का जो हमने मसाला ऐड किया था उससे बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं घी निकाल रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से जो है वो आप घी कैसे निकालते हैं और मैं कैसे निकालती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पैन रखा है, और पैन पे जो है वो मैंने पूरी जो मलाई थी वो ऐड की है। नॉर्मली जो है वो मोस्टली लोग जो है वो मलाई से मक्खन निकालते हैं फिर जो है वो उसका घी निकालते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। जस्ट हमें जो है वो हमारा जमा हुआ जो मलाई है वो हमें जो है वो पैन में डालना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है और इसे जो है वो हमें ऐसे कुक करने के लिए रख देना है। टाइम टाइम से जो है वो हमें बस चम्मच से जो है वो इसे हिलाते रहना है ताकि वो ज़्यादा नीचे वाला ना जमे, क्योंकि अगर नीचे वाला जो पार्ट है वो जल गया तो फिर जली हुई स्मेल आती है। तो इसे हिलाते रहिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखिए तो ये ब्राउनिश ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इलायची, दो इलायची ऐड किए हैं और सिनेमन स्टिक, क्योंकि इसका एरोमा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देखा कि जो घी है वो हमारा निकल चुका है। फिर मैंने सॉल्ट और थोड़ा वाटर छिड़क के जो है वो घी का पकार दिया है। तो यहाँ पे हम और गैस का फ्लेम ऑफ किया तो यहाँ पे घी जो है वो हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही आसानी से ये जो है वो तरीका है जो आप आसानी से घी निकाल सकते हो। तो दूसरी जगह पे जो है वो मैं यहाँ पे पनीर निकाल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो मेरा पनीर बनाने का प्लान है, पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरा किचन जो है वो पूरा क्लीन हुआ है, और फिर मैंने जो है वो पनीर बनाने के लिए दूध रख दिया था, और उसे अभी मैं जो है वो दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे विनेगर यूज़ किया है। विनेगर मेरे पास कम था इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड किया है। घर का पनीर जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, और ये जो है वो बहुत ही परफेक्टली बनता है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे लेमन जूस ऐड करने के बाद में मैंने हल्के से जो है वो चम्मच एक साइड से हिलाया है। आपको जो है वो लेमन जूस या फिर विनेगर ऐड करने के बाद में आप चम्मच जो है वो बार बार मत हिलाइए, उससे पनीर जो है वो अच्छे से नहीं बनता। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने विनेगर ऐड करने के बाद में एक बार चम्मच हिलाया, और 5 मिनट्स के बाद में जो आप देख सकते हो कि हमारा दूध जो है वो फट चुका है और पानी जो है वो पूरा अलग हो चुका है, जैसे कि परफेक्ट हमें चाहिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद में जो है वो हमें जो है वो क्लॉथ लेके उसमें जो है वो छानना है। तो यहाँ पे गरम जब रहता है तभी ये चीज़ कीजिए, क्योंकि उसके बाद में अगर ठंडा होने के बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पनीर ठीक से नहीं निकलता, जो बाइंड होना चाहिए वो नहीं होता ठीक से। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पनीर जो फटा हुआ दूध है वो इस क्लॉथ में डाल दिया है, और फिर मैंने जो है वो इसे नल के नीचे ठंडे वाटर से हमें इसे धोना है, क्योंकि इसमें हमने जो विनेगर ऐड किया है या फिर लेमन जूस ऐड किया है उसका खट्टापन जो है वो निकल जाए। और फिर ये वॉश करने के बाद में जो है वो फिर हमें इस क्लॉथ को अच्छे से बंद करके जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है इसमें उसे अच्छे से निचोड़ना है। तो ये जो है वो अभी बहुत गर्म है तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि इस स्टेज पे ही हमें जो है वो अगर हम पनीर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये पनीर बनके रेडी होता है। तो इसे अच्छे से निचोड़ने के बाद में जो है वो हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे।
तो वो निचोड़ने के बाद में भी मैंने इसे जो है वो हमारे काउंटर टॉप पे रख दिया है। फिर मैंने इस पे जो है वो अपना चॉपिंग बोर्ड रख दिया है और कुछ भी हैवी चीज़ हमें इस पे रखना है तो मिनिमम इसे हम 3-4 घंटे रखेंगे। तो 4 घंटे के बाद में जो है वो मैंने यहाँ पे चेक किया, जो हमारा पनीर बन के यहाँ पे रेडी हुआ है और एक्स्ट्रा जो इसमें वाटर था वो निकल के साइड में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पनीर जो है वो परफेक्ट, जैसे हम बाज़ार से लाते उससे भी अच्छा और उससे भी हेल्दी पनीर यहाँ पे रेडी हो गया है। क्योंकि हम बाहर से जो पनीर लाते हैं उसका टेस्ट इतना परफेक्ट नहीं आता, अगर हम घर पे निकालेंगे तो उसका टेस्ट में बहुत डिफरेंस रहता है क्योंकि बहुत ही टेस्टी पनीर बनता है। तो इसलिए जब से मैंने सीखा है तब से मैं पनीर घर पे ही निकालती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और ये पनीर जो है वो क्वांटिटी में हमारे घर का जो हमारा बना हुआ पनीर है क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे क्यूब्स भी कितने परफेक्टली बन के रेडी हुए हैं और हमारा पनीर जो है वो कितना परफेक्टली सेट हुआ है। तो अब इसे नेक्स्ट डे बनाना है तो इसे मैं क्यूब्स में कट करूँगी और फिर जो है वो इसे फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे यूज़ करना है। और पनीर जो है वो मोस्टली बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और अगर हम घर पे बनाएंगे तो ये बच्चे जो है वो बहुत पसंद से खाएंगे क्योंकि घर का बना हुआ पनीर जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पर जो है वो हमने जो घी निकाला है वो हम जो है वो कोई भी ग्लास बॉटल जो है वो उसमें हम स्टोर करते हैं। बहुत ही आसानी से आप घी जो है वो घर पे बना सकते हो। अगर आपके घर में जो है वो मलाई जमती है तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, जस्ट आपको मलाई अपनी कलेक्ट करनी है, फ्रिज में रख दो और जब आप फ्री हो गए मतलब परफेक्ट जो है वो मलाई जम जाने के बाद में जो है वो आप जिस तरह मैंने प्रोसेस बताई है वो बहुत ही आसान है और इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। अगर आप खाना बना रहे हो तो आप बनाते बनाते अदर कोई गैस पे जो है वो आप इसे रख दो तो आपके सामने जो है वो घी बन जाएगा और खाना बनाते बनाते और कुछ टाइम लगता है मतलब मीडियम फ्लेम पे इसे अगर रखते हो तो, लेकिन नॉर्मल घी बनाने के प्रोसेस से जो है वो बहुत ही आसान ये तरीका है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही अच्छे से जो है वो हमारा घी बन के रेडी होता है। तो एरोमा के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो इलायची डाली है क्योंकि बासी होने के बाद में कभी कभी घी में स्मेल आती है तो उसकी वजह से अगर हम इलायची डालेंगे तो वो स्मेल नहीं आएगी, तो इसलिए मैं उसमें जो है वो इलायची ऐड करती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।